भादुआ मेला, बाबा की दूज खत्म हो चुकी है और आज है तीज। लाइनें एकम और दूज को लगी, अब संग आने लगे हैं। जय बाबा रे। और भगतगण इस साइड, सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, और भगतगण नाचते गाते हरीश यादव एक बार फिर से आप लोगों के सामने। बाबा रामदेव जी का विशाल मेला आज भादुआ की तीज और दूज एकम दूज को बहुत फुल लाइन थी, अभी फिलहाल आज नहीं लगी है लाइनें यहाँ तक। मंदिर के तरफ जरूर है, इस साइड नहीं है। अब पैदल यात्रियों के संग इस साइड से ज़्यादा आएंगे, इस साइड गंगानगर बस स्टैंड, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का इस साइड एकम से ही बस स्टैंड लगता है, तो एकम से इस साइड में भीड़ होती है और यह चहल पहल लगी रहेगी। तो जुड़े रहें अर्थ ब्लॉगर हरीश यादव के साथ में एक बार फिर से, और सभी भक्तों को जय बाबारी। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भादुआ मेला 2023 और यहाँ पर कैमल, कल तो बहुत भीड़ की वजह से नहीं दिख रहा था, पर अभी वापिस यहाँ पर यह भी शौक पूरा हो जाता है मेले में। और इस भरे मेले में आजकल ऊँटों का वर्चस्व कम होता जा रहा है। बस जैसलमेर हमारे इस साइड में यहाँ भी कम हो चुका है पहले की तुलना में। तो जुड़े रहे हैं अर्थ ब्लॉगर हरीश यादव के साथ। आप देख सकते हैं पैदल यात्रियों के पैरों में पट्टियां बंधी है, बहुत दूर दराज से आते हैं, तीन तीन चार चार दिनों में, एक एक दिन में कम 100-100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं, 50-40-50, कोई कोई 100 किलोमीटर का तक का कर लेते हैं, दंडोत करते हुए आते हैं। और दंडोत की वीडियो आपने नहीं देखे तो देखना किस तरह दंडोत करते हैं इस रोडों पर, अपने शरीर की परवाह किए बगैर बाबा की पूरी भक्ति भाव से।
इसी के साथ दोस्तों मैं हरीश यादव, जय हिंद, जय भारत, जय बाबारी।